किसी मशहूर शायर ने कहा, मैंने कोई बहुत मशहूर शायर ही कह गया है कि जीतते हैं वो जिनके सपनों में जान होती है, जीतते हैं वो जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे दोस्तों, आज मैंने हमारे साथी लोग, मेरे भाई लोग, हम जेके साथे ठाड़ हन, ये दोनों लड़के, एक शुभम सिंह नाम है, एक प्रवीण सिंह नाम है। हमारे ख्याल से शुभम इनके नाम है, अच्छा तुम्हारे प्रवीण नाम है, इनके प्रवीण नाम है, इनके शुभम नाम है। ये दोनों लड़के बड़े खास हैं। खास ये हैं कि जैसे आज के समय में जौन युवा कंपटीशन करके और नौकरी हासिल कर ले, और नौकरी भी कौन परमानेंट नौकरी हासिल कर ले, सरकारी नौकरी हासिल कर ले, वो आज के समय में बहुत बड़ा बहादुर होता है। और ये दोनों लड़के जो हैं अपने मेहनत के दम पर, परिश्रम के दम पर, अपने जो माता पिता गुरुजनन के आशीर्वाद के दम से पुलिस विभाग में स्टेनो पद पर, स्टेनो का मतलब ये होता है कि जो उन्हें दरोगा के बराबर तनख्वाह होते और गोपनीय सहायक ही लोग होते हैं। एक लोग जो उन्हें विजिलेंस माँ बने और एक लोग गए कहाँ, एंटी करप्शन, हाँ एक विजिलेंस और एक गोपनीय माँ गए। अब सुनो हमारी बात, ये दोनों लोग स्टेनो या आसूलिपिक जो उन कह लो, इनके तनख्वाह रही 50 से 52 हज़ार रुपया महीना, और जो उन्हें बढ़िया यही हुई तही बाबू जी हम लोग जब बाबू जी कहे इनका स्टेनो बाबू जी ठीक है। तो एक तो पहले तो आप दोनों जन का बहुत बहुत बधाई। अच्छा अब एक चीज और बताओ, कस लागत है हो? अच्छा लग रहा है सच, फीलिंग गुड होता है ना, इनका लोग का फीलिंग गुड होता है। तो जरा सा अपने, चूंकि कायदे से हमका अलग अलग इंटरव्यू करे चाहता है, लेकिन सही चीज ये है कि अतरे लड़का हमार जौन है सेलेक्ट हो गए हैं, जौन कहते हैं कि गुरुजी चाहे झूठ बोलते हैं चाहे सच बोलते हैं वही जाने, उनके काम जाने, भाई हमसे बहुत जने कहते हैं गुरुजी आपके मार्गदर्शन से हम हो गए, अब झूठे बोलते हैं कि सच वही जाने, लेकिन कहते हैं तो अतरे ज़्यादा लड़कियाँ हैं कि जौन है सबके अलग अलग इंटरव्यू, अब हमारे बस के ना, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये दोनों लोग दोस्त हों, पढ़ाई के दोस्त हों, दोस्त कईयों तरह के होते हैं, दोस्त बनावे में सदा दिन सदा जो है सोचे चाहिए। तुलसी बाबा कहने रामचरित मानस माँ कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा और की चही मिले नीच जल संगा, मतलब ये कि जब हवा के साथ करत है धूल के कण तो आकाश में चढ़ जाते हैं, लेकिन जब नीचे की तरफ बहने वाले जल के साथ दोस्ती कर लेते तो जाके कीचड़ में मिल जाते हैं। तो आपके साथ कैसे होते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, शहीद अशफाक उल्ला खान जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ मिला, ऐसे जौन खराब लोग होते हैं उनका खराब लाग साथ है, चिलमची ढूंढते हैं, गंजेड़ी ढूंढते हैं। तो उस तरह आपके साथ कैसे होते हैं ये चीज़ हमेशा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों लोग दोस्त हों, तो पहले थोड़ा सा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में दोनों लोग बताओ कि आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में हैं। अच्छा, हम SHO हैं, इंस्पेक्टर पद विभाग। अच्छा, कहाँ पर? बांदा में। बांदा में क्या नाम है? श्री अर्जुन सिंह। अच्छा, अर्जुन सिंह बांदा में, इनके पिताजी SHO हैं। और आप माता जी क्या करते हैं? आपके हाउस वाइफ है। बहुत बढ़िया, घरा तो उन्हें सब चलावत थी। हाँ, और आप भैया? मेरे पिताजी खेती करते, किसान है। हाँ, उपजे क्या कहते हैं, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। तो आपके पिताजी किसान, माताजी बेटा? इनहू माताजी भाऊ साहब। तुम्हारे लोग की दोस्ती कब भाई? दोस्ती यही जब वैकेंसी आया था। हाँ, हम खोज रहे थे कोई एक लड़का मिल जाए जो साथ में हम लोग निकल ले। अच्छा, तो संयोग से मिल गए। हाँ हाँ, तो फिर हम लोग साथ में लगे रहे। हाँ, ये रहता था, कंपटीशन रहता था, आज इनका अच्छा गया तो कल हमारा अच्छा जाना चाहिए। हाँ हाँ, फिर इनको टेंशन होती थी कि नहीं इनका अच्छा जाने लगा। स्टैंड में यही होता है डेली, हम लोग अपनी गलती गिनते हैं। हाँ हाँ, यहाँ आज 20 गलती आई है, कल अभी से 19 करना है। हाँ हाँ, अब किसी दिन हम 15 कर लिए। अच्छा, तैयारी कैसे की बेटा? तैयारी के लिए हम सर स्टैंड के लिए तो कहेंगे बहुत प्रैक्टिस। पहली बात, एक चीज और बताई थे, कौनो कोचिंग वाले नाव न लिया हो? नहीं सर, कौनो कोचिंग वाले नाव न लिया हो कि मतलब इनके कोचिंग सर हमसे कोई मतलब नहीं है।
हम कोई के प्रचार नहीं करे आए हैं कोचिंग। हाँ अब आप बताओ, कोचिंग पढ़े लड़के, हम बुराई नहीं करते, लेकिन हम कोई के कहे प्रचार करी हो? हाँ लड़के हम कम वहाँ हम प्रचार करी कोचिंग का है। कोचिंग जाते थे सर, फिर इसके बाद लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में कैसे पढ़े? लाइब्रेरी में सर लिखते थे कि स्टेनो। यस, इससे पहले एक चीज कहा चाहे थे लड़कियन से जो तैयारी करत हैं कि आप लोग करत का हो, गलती करत हो कि ज्यादा पढ़े चक्कर में, चूंकि मानी हुई बात है अगर आप पढ़ी हो तो हो सकता है 50 पन्ना पढ़ जाओ जितने समय में, अगर लिखी हो तो हो सकता है 3 पन्ना उतनी देर में लिख पाओ, 4 पन्ना लिख पाओ, गलत कहते सही कहते। और ज्यादा पढ़े के चक्कर में लड़कियां क्या करते, लिखत नहीं है। सबसे ज्यादा मूल मंत्र जो पढ़ाई के है, तैयारी के है, वही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, ठीक है? एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो। तो ये लोग लाइब्रेरी में जाते रहे, लाइब्रेरी कोचिंग भी किए हैं, हालांकि हम कोचिंग के कोई का नाम न ले, कोचिंग भी किए और लाइब्रेरी में जाते रहे। लाइब्रेरी में जाए के और बैठे तो हम कोई का नहीं कहते तू लाइब्रेरी में जाए बैठो या कर, लेकिन पढ़े समय में आपका थोड़ा बहुत जो है एकांत चाहिए, पढ़े माहौल चाहिए। अगर बगल में डीजे बाजत है तो थोड़ा सा भाई डिस्टर्ब होता है, वो चाहे जो कहे कि हम सफल हो जाते तो आदमी कहे लागत है हमें कोई फर्क नहीं पड़ते वास्तव में, लेकिन सही चीज़ है कि फर्क पड़त है। तो फिर इलाहाबाद में कब से तैयारी करते बेटा? इलाहाबाद में हम 3 साल से। 3 साल से, जैसे बहुत लड़के कहते हैं 6 महीना में हम अत्ता कर दिन अत्ता कर दिन, हम फिर कहते हैं कोई भी परीक्षा पास करने के लिए 2-3 साल के ठोस तैयारी आपका चाहिए। गणित रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर हम लोग भी आया था। हाँ। तो ये सब था, और बाकी स्टैनो के लिए हम लोग मैगजीन वगैरह लिखते थे, कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गया, हरी सिंह दिनकर खंडे खंडो लिखते थे। यूट्यूब से भी मतलब स्टैनो डिक्टेशन होता था उसे भी लिखते थे। अच्छा, रोज सर 12-13 घंटे 12-13 घंटा मेहनत करत रहे, 6,000 से 7,000-8,000 वर्ड डेली हम लोग लिखते थे। अच्छा, ये था कि कोई भी शब्द छूटा नहीं हमारे से। हाँ, कोई भी संपादकीय का शब्द हो, हाँ, साहित्य का हो, आध्यात्मिक का हो, ये स्टेनो के तैयारी के लिए बतावत है। हाँ, वो सब हम लोग लिख लिए थे, और ये था कि बस एग्जाम देंगे तो चाहे वो जो संस्कृत बोल दे तो हम वो भी लिखने के लिए तैयार है। ये बात, ये चीज होता है जब कह देते हैं कि चाह से पूछो वहाँ से पूछो, तो ये तो हो गया इनके सबके बात। और जो है तैयारी कैसे की, हम फिर लड़कियों से बताए थे रीजनिंग पढ़ो, हिंदी पढ़ो, मैथ पढ़ो। बहुत लड़के ये सोचते थे कि हम ईमा कमजोर हन, अरे बाप रे बाप, ईमा कमजोर हन तो उसे कवर कर ले, तैयारी आपका सब करे पर ही पूरी तैयारी करे, और बहुत मेहनत से जब पढ़े हो तब सफल जरूर हो। अच्छा एक चीज़ और भाई देखो, हम जो तुहका चाय पियावा रहा और बंद खवावा रहा, वो यही लिए नहीं खवा रहा कि दुनिया की तारीफ करो, हमार तारीफ करो, यही के लिए हम चाय खवावा पियावा रहा। हाँ अब हमारे तो झोंको, हाँ आपकी वीडियो देखते थे हम, हमारे वीडियो देखा था, घंटे लाइव देख लेते थे, हाँ, और सोते टाइम वैसे ही सुनते सुनते सो जाते थे। ये लो देखो, और बीच में हम कमेंट भी करते थे, लेकिन आप बहुत कम कमेंट देखते थे, हम जितना कमेंट दिखाते रहे उतना रिप्लाई देते रहा। सर कभी कभी लगता था कि मतलब नहीं हो पा रहा है, तो आपकी वीडियो देखने के बाद ये एक चीज सुनो, मुझे वर्दी लेना ही है, लेना है वर्दी। एक चीज हम और चीज नहीं कहा, हम एक चीज लड़कियों से जरूर कहता कि भर्ती क्लियर जरूर हो, भर्ती क्लियर जरूर हो। जैसे जब कोर्ट वोट में मामला हुआ तो लोग कहें कि कोर्ट के आदेश हुआ तो लोग कहें कि हम जब समझावा कि ना ना स्टे हुआ ना कुछ हुआ, ज्वाइनिंग मिली तो लोग कहें तुम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे ना, अच्छा हमारे सकलियर लगते है कुछ की मतलब हम कम पढ़ा लिखा हन, तो लोग धोखा खा जाते हैं जबकि हम पढ़े लिखे हन। तो ये चीज जब इनके लोग का फोन आओ तो हम एक चीज कहता, जैसे ही कहा कि भर्ती कब आई तो हम कहता भर्ती कब आई है कभू चिंता न करो, चिंता ये करो कि भर्ती में तुम्हार हो कि ना हो, ट्रेन स्टेशन पर आवा करी है जावा करी है, तुम्हार टिकट कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, एक ही चिंता करो हमेशा, ये चीज है। और दूसरी चीज कोई भी तैयारी में फार्म भर दिया हो, जैसे अब कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा होने वाली है, लड़के पूछा करते वो एक दिन आई जी डेट हो, तो उसके तैयारी रटते रहो, करते रहो, तैयारी में लगे रहो, रटते रहो मतलब पढ़ते रहो, रट्टू तोता बने हम नहीं कहते, और लगे रही हो सफलता जरूर मिली। हम इनसे सबसे कहें कि अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना,
आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रख। एक सुने रहो ना सुने रहो, सही बता झूठ ना बोले सर। एक एक क्षण देखे कुंभ तक एक एक कविता सुने तो पढ़े हुए हमारे कहानियां पढ़े ने उनका पूर कर लेकिन हम सबसे हम फिर ना बांट बताए देते है हाँ कि भैया ये हम लेके आए हैं ये हमारे उपन्यास है हम लिखब तो किताब पैसा से मेचब हाँ बताए देते है हाँ। तो ये चीज है बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों का बधाई हो आपके माता पिता को बधाई हो आपके मेहनत साकार भय और आपका देख के नए लड़का भी सीखें नए लड़का सीखें नई लड़कियां सीखें और कंपटीशन मारें मैदान मारें यही कामना करे थे। और शायरी कौन वाली बोल दी जौन कहते बोल दी अरे चलो दोसर सुनो कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूँ खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ हो दशहरा या दिवाली ईद हो या चाहे होली पत्थरों की मार हो या झेल ना हो चाहे गोली पहुंचे जो अंजाम तक उस सफर का आगाज हूँ खाकी हूँ गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूँ। थैंक यू मेरे दोस्त अब खत्म कीजिए बहुत लंबा वीडियो हो जाते हो हाँ एडिट फेडिट हम नहीं करी था ऐसे लगाए दो झर 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 हाँ जगह देखा कोई देखा है।